अरे काम हो रहा है, हम लोग तो भूखल मर रहे हैं ना। सहायता मिलना चाहिए ना, तो हम लोग को और भगाया जाता है। तो अपना बिहार जो है दिल्ली मुंबई से बेहतर होना चाहिए, ऐसा हमारा चाहत है। देखिए इस बार करें कि हम लोग भी देखें, वो भी देखें, वो भी घूम लें। नहीं नुकसान कहीं भरपाई तो होगा। ये खेल का मैदान को तो चौपट कर दिए ना ये स्टेडियम, मोहित खेल स्टेडियम को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूँ यति आपके साथ। आज हम अपने दर्शकों को पटना के मेट्रो स्टेशन की जो कार्य की प्रगति है उसको लेकर के हम पटना के सड़कों पर आए हैं और हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि ये जो नीतीश कुमार का सपना है पटना में मेट्रो चले, अंडरग्राउंड मेट्रो के भी काम जो हैं वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुके हैं, वहीं ओवरब्रिज के जो काम हैं वो भी काफ़ी हद तक पटना के हर जगहों पर जहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन बनने वाला है वहाँ पर कार्य चल रहा है, इसको लेकर के हम पटना के लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर के, वो कितना खुश महसूस करेंगे जब वो मेट्रो का सफ़र करेंगे, उन्हें दिल्ली मुंबई जैसी फीलिंग आएगी, उसको लेकर के हम पटना के लोगों से बात करेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। तो हमारे साथ ये अंकल मौजूद हैं, ये यहाँ पे मोनोलॉग स्टेडियम के बाहर ये चाय की टपरी लगाते हैं अपनी। अंकल यहाँ पर सुबह में नीतीश कुमार आए थे और अंदर उद्घाटन किया उन्होंने बहुत सारा मशीन का मेट्रो को लेकर के, तो आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है कि पटना में मेट्रो जल्दी जल्दी कार्य कर रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है? अरे काम हो रहा है, हम लोग तो भूखल मर रहे हैं ना, यहाँ पर खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। जब आते आए तो आप दो पैसा कमाएंगे का, दो पैसा भगा दिया सब, देखो नहीं किए जी, चाय पानी सब दूध गिर गया सब। तब सुबह में वो लोग आए तो उनके जो अधिकारी भगा दिए हैं, भगा दिया सब, पुलिस सब। मेट्रो को लेकर के आपका क्या राय है? मेट्रो पटना में बन रहा है, पटना भी विकसित हो रहा है, तो इस पे आपका क्या राय है? वो ठीक है, आप अच्छा है, मान लो बन रहा है, मगर हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है। कम से कम मान लिया है तो कम से कम है भाई, चलिए कमाने के लिए छोड़ दीजिए। सहायता मिलना चाहिए ना, तो हम लोग को और भगाया जाता है। तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी गरीब कहाँ जाएगा, दो पैसा दीजिएगा आप खाने के लिए, नहीं नहीं दीजिएगा जी। यहाँ अंकल आप लोग भी बहुत, मतलब हम लोग तो अपने बचपन से सुनते आए कि मेट्रो बन रहा है पटना में, मेट्रो बन रहा है, आप लोग एक आधा उम्र हो गया है आप लोगों का, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? अब नीतीश कुमार आज आए थे, वो बताएं कि बहुत जल्द मेट्रो बन जाएगा और मेट्रो बन के तैयार, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, अच्छा महसूस हो रहा है आपको? ठीक है, अच्छा बना। आपको कैसा लग रहा है अंकल मेट्रो बन के अब फाइनली तैयार होने वाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसका कोई गारंटी है? नीतीश कुमार आज आए थे, वो बोले हैं कि मेट्रो का फैसिलिटी हम पटना वालों को देंगे, बहुत जल्द देंगे, और ये जो महागठबंधन का सरकार आया है इसमें बहुत जल्द मेट्रो बन के तैयार होने वाला है, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ये जब बीजेपी के साथ थे तब मेट्रो बनने में देर हो रहा था, महागठबंधन में आते तुरंत तुरंत काम शुरू हो गया, इस पर आपको क्या लग रहा है? बनेगा तब ना हम सब कहा जाना है। मेट्रो बन के तैयार हो रहा है पटना में फाइनली, तो कैसा फील हो रहा है? ये बहुत अच्छा है कि बिहार के विकास में ये बहुत अच्छा योगदान देगा, जैसा कि दिल्ली मुंबई वगैरह में। तो दिल्ली मुंबई, तो क्या मेट्रो में क्या मतलब अकेले आओगे घूमने, तो कैसा? घूमने की बात अलग है, और जो ये जन साधारण के लिए जो जन मानस आम जन मानस पे जो ये इसका प्रभाव पड़े बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ही फैल रहा है, तो इस पर कंट्रोल सरकार कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको कैसा लगेगा जल्दी जल्दी पटना में मेट्रो बन रहा है, अब कहा जा रहा है कि 25 तक बन के तैयार हो जाएगा, तो क्या फील हो रहा है? और अभी अच्छा है, दिल्ली मुंबई वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को? आएगी। एज अ यंग जनरेशन आपको कैसा फील हो रहा है मेट्रो अपने पटना में आ रहा है? पटना को कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा माना जाता है और इस तरीके से मेट्रो बनना इस दिशा में लग रहा है कदम सरकार की उठाई जा रही है, और आज ही या कल सरकार ने उसका निरीक्षण भी किया, और इसका जो पटना मेट्रो का लोगो वगैरह है वो जारी किए हुए, अच्छा लगा, आने वाले समय में हम लोग के विकास में अच्छा रहेगा, बिहार के विकास में। अंकल आप यहाँ पे कितने साल से स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ हम 15 साल से। 15 साल से, कितने साल से मेट्रो का काम चल रहा है? मेट्रो का काम तो अभी 2 साल से चालू हुआ है। 2 साल से चालू हुआ जी। आपको कैसा फील हो रहा है जल्दी जल्दी मेट्रो बनने वाला, नीतीश कुमार आए थे? हो जाए बन जाए तो बिहार के लिए अच्छा है, बिहार का जो है पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा होगा हमारे बिहार के लिए, और इससे अच्छा क्या कहेंगे हम। आपको दिल्ली मुंबई वाला फीलिंग आएगा एकदम? नहीं, उससे बेहतर होगी, अपना बिहार जो है दिल्ली मुंबई से बेहतर होना चाहिए, ऐसा हमारा चाहत है। पटना में मेट्रो बन रहा है, आज नीतीश कुमार आए थे, कहे हैं कि बहुत जल्द मेट्रो बन के तैयार होगा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा। आप कितने साल से मतलब सुनते आ रही हैं, आप रहती कहाँ पे हैं बताइए? हम लोग रहते हैं अशोक नगर। आप कितने साल से सुनती आ रही होंगी कि मेट्रो बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, मेट्रो का काम इतनी प्रगति पे चल रहा है? आप से सुने मगर बन रहा है ना जी, बन गया, यही है जब शुरू काम हो गया तो हो गया।
शुरू हो गया तो समझिए बन गया, बन गया। और शुरू नहीं करेंगे क्या क्या बात है, और ऐसे रह जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं ना है। मतलब बन रहा था, आपको बहुत खुशी महसूस हो रहा है, दिल्ली मुंबई वाला एकदम फीलिंग आएगा। हाँ, दिल्ली मुंबई वाला है। आपको अंकल कैसा महसूस हो रहा है, पटना में मेट्रो का काम इतनी तेजी पे चल रहा है, अब तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये अंडरग्राउंड जो फाउंडेशन हो रहा है ये हम लोग देख पाएंगे। अभी बहुत समय लगेगा इसमें। हाँ। और इसलिए ये अंडरग्राउंड फाउंडिंग है प्रोटोटल, और 25 से तो वो एलिवेटर चालू होगा। लेकिन चलिए, अच्छा है हमारे शहर में मेट्रो का सुविधा मिल रहा है लोगों को, हम नहीं तो हमारे जनरेशन तो करेगा ना राज, बस यही है। मतलब आपके अनुसार ये जो अंडरग्राउंड का जो ये लोग सिस्टम चलाए हैं, इससे कई ज़्यादा बेहतर ओवर जो चल रहा है? हाँ, वो फास्ट काम था ना, वो फास्ट सुविधा था। ये ज़्यादा खर्च भी है अंडरग्राउंड का, और फाउंडेशन भी अंदर है तो पता नहीं आगे कितना कब कंप्लीट होगा, इसका कोई गारंटी अभी तो नहीं है। नीतीश कुमार आज यहाँ आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने बोला कि बहुत जल्द आप भी बैठिएगा, हम भी बैठेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बोले हैं तो सच में जल्दी जल्दी बनवाएंगे? देखिए, इस बार करें कि हम लोग भी देखें, वो भी देखें, वो भी घूम लें अंडरग्राउंड फाउंडेशन में। एलिवेटेड का बात हम नहीं करते हैं, अंडरग्राउंड का वो उन्होंने आज किया है ओपनिंग, ठीक है ना, मशीन का। इधर का आदमी है, जब इधर मकान है नालंदा जिला के है या कोई जिला के, तो इधर हम भी तो कभी लौट के आएबे करेगा, आएगा तो चढ़वे करेगा। देख, स्टेशन बनाकर ये खेल का मैदान को तो चौपट कर दिए ना, ये स्टेडियम मोहल्ले स्टेडियम को, ये हुआ ना खेल का। एक बहुत बड़ा मैदान था बिहार का जो है, मोहल्ले का स्टेडियम बहुत बड़ा चीज़ था, ये खेल के मैदान को तो वो ख़त्म कर दिए। इसको डेवलप की बात थी, इसको डेवलप नहीं किया इन्होंने, ठीक है ना। और ये अब मेट्रो के नाम पर अब खेला हो रहा है, अब देखिए ये कंप्लीट अंडरग्राउंड कब तक होता है? अच्छा है, हमारा जनरेशन देखेगा, हमारा बच्चे लोग देखेगा, ये तो चीज़ है मैडम। तो कहीं नुकसान कहीं भरपाई तो होगा। देखिए, खेल का मैदान, देखिए हम लोग छोटे से आते थे यहाँ पर खेलने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है खेल का मैदान नहीं, अब मेट्रो बना दिया, अब मेट्रो का माल पूरा बाजार हो जाएगा, ये स्टेडियम बंद हो जाएगा, लगभग कम्प्लीट बंद ही है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहा है पटना के लोगों का ये स्टेडियम को लेकर के, कई लोग इसके खिलाफ भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि खेल का मैदान था जहाँ पे नीतीश कुमार आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको मेट्रो का रूप दे करके गलत किया है। वहीं कई लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ पर, आपकी क्या राय है पटना मेट्रो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावास 24। धन्यवाद।